Abhishek, Junior Editor of Modern Plastic India. I'm with Mr. K.K. Saxena and Mr. Afroz Shah. Being Osan under the leadership of Mr. Afroz Shah is doing very good job, noble job. It is giving a message to everyone. Pick up, don't litter. तो ये सी बीच से जितना भी कचरा है ये उठा रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी शुड नॉट लीटर. प्लास्टिक के बारे में भी कई बार बात होती है, तो हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक सर्व्स लिटरिंग पॉल्यूट्स. तो हम लोग को चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम प्लास्टिक का फ़ायदा लें, लेकिन प्लास्टिक का दुरुपयोग ना करें, उसे कचरे में ना फेंकें, उसे सी बीच में ना. ये दूसरे का घर है, समुद्र दूसरे का घर है, उसके घर में हम कचरा फेंक रहे हैं, तो पहले हम सोचे हमारे घर में कोई कचरा फेंके तो हमें कैसा लगेगा, हमारा जीवन कैसा होगा. तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने इसमें, इस एक्सरसाइज में अपना सहयोग देने का एक साल के लिए वादा किया है, और जो एक्सकेवेटर और जो ट्रैक्टर है जिसके थ्रू क्लीनिंग हो रही है, जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने डोनेट किया है, बींग ओसन अफरोज शाह और इनकी टीम इसमें काम कर रही है, उसके मेंटेनेंस का प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने एक साल तक कॉस्ट का भार उठाने का वादा किया है, और हम कर रहे हैं. आज इससे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है. लिटरिंग पोल्यूट, ये स्लोगन है. दैट शुड बी एनकरेज एंड इट शुड बी नोन टू द ऑल पीपल कि व्हाट रेड प्लास्टिक इज नॉट बैड एट ऑल. ये प्लास्टिक डायरेक्ट नहीं आता है, ये लोग फेंकते हैं तभी आता है.